वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इन श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोसा। डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर 28th वीडियो लेक्चर ऑन प्लानिंग ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग ऑफिशियल नोट्स। ओके, प्लानिंग ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग ऑफिशियल नोट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, ऑफिशियल ड्राफ्टिंग या प्लानिंग जो भी है उसका किस तरह से महत्व होता है, उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो होगा इसका हम कंटेंट देखते हैं क्या क्या। डेफिनेशन ऑफ ड्राफ्ट, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, मेन पॉइंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, थ्री फंडामेंटल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, एंश्योरिंग करेक्टनेस एंड कंक्लूजन। इसके द्वारा हम पूरे इस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ए ड्राफ्ट हैज वेरियसली बीन, ठीक है, डिफाइंड्स व्हाट द फॉलोइंग और द टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वी होल। ए ड्राफ्ट इज एन आउटलाइन इन द फॉर्म्स ऑफ रफ नोट ऑफ समथिंग टू बी डन और मेड। एग्जाम्पल, ए लेटर, स्पीच प्लान, डिजाइन ड्राफ्ट, ड्राइंग एंड सो ऑन। ए ड्राफ्ट इज ए रफ कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू बी परफेक्टेड लेटर सोन बाय मीन्स ऑफ सर्टेन। ओके, तो उससे पहले क्या था कि किसी मटेरियल में से हमें जिस इश्य को चुनना है या लिखना है उसको हम पहले क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन करके और उसकी कॉपी कर लेते हैं, वो ड्राफ्ट होता है। ठीक है, आउटलाइन इन द फॉर्म्स ऑफ रफ नोट्स ऑफ सम थिंग्स टू बी डन और मेड। ठीक है, जैसे कोई लेटर लिखना है या और कुछ करना है तो उस तरह से हमें ये करना होता है। देर आर फाइव स्टेजेज ऑफ ड्राफ्टिंग प्रोसेस। एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस द कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड एंड रिफाइंड। ठीक है, कितने तरह से किया जाता है इसको, पांच प्रकार के इसके स्टेज हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है। पहले तो समझना होता है क्या करना है, किसके ऊपर हमें ड्राफ्ट करना है, एनालिसिस के लिखने लायक उसका विश्लेषण करते हैं, फिर कैसे लिखें उसका प्रारूप देखते हैं, कंपोजिशन तो उसको गद्यांश रूप देखते हैं और इसकी रूटीन में उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है वो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग में हम देखते हैं कि द फर्स्ट टास्क फॉर द ऑफिसर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्राफ्ट अबाउट। पहले यह देखा जाता है उस अधिकारी के द्वारा कि ये जो मटेरियल है ये ड्राफ्टिंग के लिए सही है या नहीं है। विश्लेषण में हम क्या देखेंगे, देखते हैं एनालिसिस इन रिलेशन को, जिस पॉइंट के ऊपर हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड है या नहीं है। एक्साइटिंग पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, वर्तमान में जो हमारी पॉलिसी चल रही है उससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं, या पोटेंशियल डेंजर एरियाज, पर्टिकुलर एबिलिटी, तो ये पहले हमें समझना होता है। अब इसकी प्लानिंग जो हमारी होती है डिजाइन करने की, वो है आफ्टर गैनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द प्रपोजल्स एंड असेसिंग देयर इम्प्लीकेशंस इन रिलेशन टू एक्साइटिंग पॉलिसीज द ऑफिसर रिचेज द डिजाइन और प्लानिंग स्टेज ऑफ ड्राफ्टिंग। पूरी तरह से समझ लेने के बाद में, जांच परख लेने के बाद में कि ये जो विषय वस्तु है वो ड्राफ्टिंग के लिए बिल्कुल उचित है, इसके बाद में फिर योजना बनाई जाती है कि कैसे किया जाए। ठीक है, कंपोजिशन में, द कंपोजिशन इज यूजली डिस्क्राइब्ड एज पब्लिशिंग द ड्राफ्ट, तो उसको पहले दिया जाता है कि किस तरह से इसको करना होता है। अंत में क्या करते हैं, लास्ट में फाइनल कर लिया कि ये इससे हमें मुझे ड्राफ्टिंग करना है उसका करना है। द स्टेज ऑफ स्क्रूटनी इंक्लूड्स मच रिविजनरी वर्क्स कैरिड आउट बोथ बाय द ऑफिसर हिमसेल्फ एंड दोज हु इंस्ट्रक्ट हिम। एट दिस स्टेज द ऑफिसर मस्ट डिसिप्लाइन टू टैक ए क्रिटिकल गेज एट हिज फिनिश्ड ड्राफ्ट। ठीक है, पूरी चीज़ें जांच परख लेने के बाद में ये तय कर लिया जाता है कि इसका ड्राफ्टिंग करना है, तब तक जिस व्यक्ति को ये कार्य दिया गया था वो भी इसको चेक कर लेता है उस अधिकारी के निर्देश में जो कि ये ड्राफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है, और जो करने वाला व्यक्ति है दोनों इसका विश्लेषण करके फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये ड्राफ्टिंग होगी। तो पहले क्या होता है कि ही शुड सी इट्स लॉजिकल सीक्वेंस, पहले क्या देखते हैं वो कि लॉजिकल सीक्वेंस देखते हैं कि बिल्कुल उसके अनुसार है या नहीं। दूसरा क्या देखते हैं,
ही मस्ट गेट डाउन टू टेडियस मैटर्स ऑफ डिटेल्स एंड डिटेल एंड चेक क्रॉस रेफरेंसेस द यूज ऑफ डेफिनेशन कंसिस्टेंसी ऑफ लैंग्वेज स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन मार्क्स। खुद के द्वारा जांच परख लेने के बाद में उसका क्रॉस चेक करवाया जाता है कि कहीं इसकी डेफिनेशन है, इसकी निरंतरता बनी हुई है या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब फाइनलाइज इसको कर लिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग, क्या सिद्धांत है इसके, देखें। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ड्राफ्टिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वड बाई एन ऑफिसर हु इज ड्राफ्टिंग। क्या करना चाहिए हमें, दैट ही शुड मूव इन लॉजिकल प्रोग्रेशंस एंड ऑर्डर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू एनालिसिस टू डिजाइन टू कंपोजिशन एंड टू स्क्रूटनी और फाइनलाइज। ठीक है, स्टेज मतलब हमारी जो ड्राफ्टिंग करने के रूल्स है उन रूल्स को हमें फॉलो करना है और तब जा कर के हमें इसको पहुँचना है। ही शुड बी रिवाइज हिज ड्राफ्ट टिल मैक्सिमम परफेक्शन ऑफ द ड्राफ्ट एंड टू हिज सेटिस्फिकेशन। मतलब क्या करना चाहिए, वापस उसको देख लेने में कोई परेशानी नहीं होती कि कहीं कोई गड़बड़ी या गलती तो नहीं है, कि जब तक उसको खुद को यह एहसास ना हो जाए कि हाँ ये परफेक्ट है, तब जा कर के उसको ड्राफ्टिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। ही शुड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू हिज ऑफिसर इफ सो डिजायर्ड बाई हिम। ठीक है, उसको बताना भी चाहिए कि ड्राफ्टिंग के अंदर मैंने इन निर्देशों का पालन किया है और जो कि आपने जैसे बताया उस तरह से। ही शुड स्टेट क्लियरली एंड फुली द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ड्राफ्ट। ठीक है, उसको भी पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि ड्राफ्ट की ये सिद्धांत है और इसका ड्राफ्ट करने का उद्देश्य यह है। हिज ड्राफ्ट शुड रेफर टू ऑल नॉन इम्प्लीकेशंस एंड डिफिकल्टीज वेदर लीगल सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ही शुड ऑल्सो स्टडी ऑल रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर वे सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड भी करना है, बताना भी है कि इसके अंदर क्या तो दिक्कतें थी और कौन कौन से हमने यूज किए हैं, वेदर लीगल सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वे हमारे सामने आने वाली वे भी डिफिकल्टियाँ या परिस्थितियाँ थी वो किस वजह से थी, लॉजिकल थी, लीगल थी या सोशल थी। ठीक है, ही शुड ऑल्सो स्टडी ऑल रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ड्राफ्टिंग करने वाले को पहले ही इसके रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। ए ड्राफ्ट शुड बी काउच्ड इन सच ए लैंग्वेज एंड स्टाइल दैट द एग्जैक्ट इंटेंशन ऑफ द ऑर्डर विच हैज़ बीन पास्ड इज कम्प्लीटली एंड क्लियरली कन्वेयर्ड। मतलब इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, आपका लैंग्वेज का आपने शैली जो अपनाई है वो किस वजह से की गई है और क्या आपने जो लैंग्वेज और जो लैंग्वेज की भाषा का तरीका अपनाया वो पूरी तरह से स्पष्ट आपके ड्राफ्टिंग का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द लैंग्वेज शुड बी ल्यूसिड प्रेसिस कर्टियस डिजाइन डिग्निफाइड एंड डिसेंट। देयर शुड बी नो स्कोप व्हाट्स ओवर फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट्स कन्वेइंग द राइट मीनिंग शुड बी यूज। ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज है वो इस तरह से होनी चाहिए, जो ड्राफ्टिंग के अंदर हमने जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, शिष्ट तली हुई होनी चाहिए, डिग्निफाइड एंड डिसेंट शैली में होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं होनी चाहिए कि उसका कुछ गलत अर्थ निकल रहा हो। द ड्राफ्ट शुड बी वर्डेड इन एन इफेक्टिव इम्प्रेसिव एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज सो दैट नथिंग कैन बी ट्विस्टेड आउट ऑफ कॉन्टेंट। द सेंटेंसेज शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट तो हमारे सेंटेंस होने ही चाहिए, उसके साथ साथ जो शब्द हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं वे प्रभावशाली और प्रभावित करने वाले होने चाहिए। द ड्राफ्ट शुड बी एग्जैक्टली टू द पॉइंट एंड सो फार एज पॉसिबल ब्रीफ ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स आर टू बी स्टेटेड ऑन द ड्राफ्ट। ठीक है, जो भी हमने पॉइंट इसमें दर्शाए गए हैं उनका पहले से अच्छी तरह से अनुवादित और उसकी व्याख्या अनुरूप अर्थ बताया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग उसके अंदर पैदा न हो। लॉन्ग सेंटेंसेस अब्रप्टनेस एम्बिगुअस एक्सप्रेशन सर्कुमुलेकेशन redundant
superlatives, bombastic words and irrelative material should totally be discarded. इन ऐसे शब्दों को या मुहावरों को आप उसके अंदर यूज न करें, क्योंकि वहाँ पर लोग आपका उसका दूसरा अर्थ निकाल भी सकते हैं. There are circumstances in which a request for recommendations has to be rejected in such an event while preparing a draft for such a case. Great care is required to be exercised to see that the language used must not at all appear to be offensive to the addressee. In a word, the draft should be couched in a polite, unoffensive, decent and balanced language. कुल मिलाकर के वो चीज़ें ली गई है कि ना तो हमें कोई ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल करना है, न कोई ऐसे जो पद मुहावरे हैं जिसका कुछ गलत या उत्तेजित अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है. तथा ऐसे शब्द जो किसी परिभाषा जो किसी पारिस्थितिक से जुड़े हो और उसकी वजह से कोई विद्रोह की स्थिति पैदा हो या फिर नेगेटिविटी पैदा हो, तो ऐसे शब्दों को टोटली हमें डिनाई कर देना चाहिए. हमारे ड्राफ्ट के अंदर कुल मिलाकर के जो भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें या शब्दों का इस्तेमाल करें, वे बड़े रिक्वेस्टेबल होने चाहिए तथा प्रेषित या फिर जो भी सेंडर्स उसको सेंडर्स और रिसिपिएंट जिसको प्राप्त होगा पढ़ने वाले एड्रेसी, उनको कहीं लगे नहीं कि इसने ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके द्वारा उसकी सभ्यता पे कोई फर्क पड़ रहा हो. मेन पॉइंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए. वाइल प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन व्यू. ए ड्राफ्ट शुड बी रिटन लिखित में होना चाहिए, प्रिफरेबली टाइप्ड इन डबल स्पेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, मतलब दोनों तरफ से जगह खाली होनी चाहिए. ए सफिशियंटली वाइड मार्जिन शुड बी लेफ्ट फॉर करेक्शंस एंड एडिशंस, तथा बीच में शब्दों के बीच में या वाक्यों के बीच में एक पर्याप्त रूप से स्थानांतरण या फिर गैप होना चाहिए जिससे कोई भी करेक्शन करे आसानी से हो जाए. ऑल ड्राफ्ट शुड बियर द रिलेवेंट फाइल नंबर एंड द सब्जेक्ट, द रेफरेंस नंबर ऑफ द एड्रेसेस, लेटर्स इफ अवेलेबल. ड्राफ्टिंग जो भी हमने की है उसके ऊपर वे सब उपयुक्त सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, वो फाइलिंग होनी चाहिए जब भी कभी कोई जरूरत पड़े तो उसको हम देख सकें. When two or more letters, notifications, etc. are to issue under the same file number on the same date to the same addressee, a serial number should always be given in addition to the file number to avoid confusion. ठीक है, जब एक ही दिन में एक ही तारीख को एक ही व्यक्ति को एक जैसे पत्र लिए दिए तो वहाँ पर जो सीरियल नंबर है वहाँ पर कुछ ऐसा इंडिकेशन कर देना चाहिए तो उसे मालूम लगे कि ये लेटर पहला था ये दूसरा था, तो उसे कन्फ्यूज की स्थिति दूर हो जाती है. जैसे लेटर ए लेटर बी, 1A 1B. ठीक है, ए ड्राफ्ट शुड शो क्लियरली द कंक्लूजर्स एनक्लोजर्स विच आर टू अकंपनी द फेयर कॉपी. जो भी हम पेपर संलग्न करें उन सबकी सीरियल क्रमांक होनी चाहिए, कौन सी सीरियल पे क्या कॉपी हमने या कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज किया है, तो उसे पता रहता है और फिर देखने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होती. द नंबर ऑफ एनक्लोजर्स शुड आल्सो बी इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द ड्राफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर और द पेजेस. ठीक है, ये चीज़ हमने क्लियर करी. द ऑफिसर्स ओवर हुज सिग्नेचर द कम्युनिकेशन इज टू बी इश्यूड शुड इनिशियली एंड डेट द ड्राफ्ट इन टोकन ऑफ हिज अप्रूवल. हिज डेजिग्नेशन शुड इनवेरिएबली बी इंडिकेटेड ऑन द ड्राफ्ट. ठीक है, जो ऑफिसर्स के द्वारा ये ड्राफ्ट डिस्क्लोजर हुआ है तो उस ऑफिसर्स के उस ड्राफ्ट के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, डेट होनी चाहिए ताकि उसने अप्रूव दी थी, और उसकी पोस्ट होनी चाहिए. द अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी मार्किंग रेजिडेंस इमीजिएट और प्रायोरिटी शुड बी इंडिकेटेड ऑन द ड्राफ्ट.
If any papers are to be dispatched by special messenger or issued under registered post or under postal certification as express delivery or by air mail, necessary instructions should be given on the draft for the of guidance and dispatch. Endorsement as and when necessary. ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली उसके ऊपर शो करनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने भेजा है, किस तारीख को भेजा है और किस चीज़ के द्वारा उसको डिस्पेस किया गया है. थ्री फंडामेंटल्स ऑफ ड्राफ्टिंग में राइटिंग ऑफ ए कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग अक्रॉस डिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ रिटन वर्ड्स. फर्स्ट द राइटर शुड रियलाइज दैट देर इज सम वन एट द अदर एंड हु विल रिसीव द कम्युनिकेशन रीड इट एंड बी प्लीज्ड इंटरेस्टेड बोर्ड डिस्गस्ट वरीड और अन्योर्ड बाय इट्स कॉन्टेंट. जो भी हम राइटिंग के अंदर कम्युनिकेशन लिखना चाहते हैं दूर दराज के लोगों को क्या असर पड़ेगा, तो रिटर्न वर्ड्स हमारे बिल्कुल ओके होने चाहिए. कोई ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जिसके द्वारा पढ़ने वाले को कुछ बोर सा लगे, कुछ बेकार सा लगे और उसको पढ़ करके उसका मन खराब हो जाए. वन शुड राइट आफ्टर केयरफुल थिंकिंग ओवर द सब्जेक्ट मैटर, अदरवाइज रैम्बलिंग एंड मडल्ड कम्युनिकेशन विल बी द रिजल्ट. क्लियर थॉट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर क्लियर एक्सप्रेशन. जो भी कुछ हम उसमें लिख रहे हैं तो सबसे पहले बार बार एक ही चीज़ आती है कि हमारे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसका एक सटीक अर्थ निकलना चाहिए. ऐसे कन्फ्यूज अर्थ नहीं होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल करके उसका कुछ गलत अर्थ निकाल ले. लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नॉट ओनली वेस्ट द टाइम्स ऑफ द रीडर बट ऑल्सो अननोय हिम. स्ट्राइट फॉरवर्ड लेटर्स रिटर्न सिंपल. लैंग्वेज हैज द बेस्ट चांस ऑफ सिक्योरिंग फुल अटेंशन एंड एक्शन. इसमें भी ये दिया गया है कि हमें बचना चाहिए ऐसे बड़े बड़े शब्द या मुहावरे जिसकी वजह से कुछ अर्थ अलग निकल रहा है लेकिन पढ़ने वाला उसको पढ़ने में भी उसका समय लगेगा और उसका अर्थ भी नहीं निकल रहा तो नाराज़ होता है ताकि उसका गलत अर्थ समझ ले. तो हमें ड्राफ्टिंग करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है. एंश्योरिंग करेक्टनेस. रीड द मैटर्स केयरफुली. ड्राफ्टिंग पूरा कर लेने के बाद में एक बार उसको सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए. नो एंड कलेक्ट द फैक्ट्स. ये भी देख लेना चाहिए कि मेरी जो भी तथ्य इसके अंदर इंक्लूड करने थे वो सारे इसमें आए या नहीं आए. रिव्यू द रिलेवेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा. एक बार फिर से पुनः विचार करके देख लें कि मैंने ये ड्राफ्टिंग जो भी की है इसके ऊपर उचित तरह से डॉक्यूमेंट्स या उनके सीरियल नंबर लगे हैं या नहीं हैं. अंडरलाइन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. जो भी खास अपनी नज़र से लगे या उसके ऊपर फोकस डालना हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दें. ठीक है. इस प्रकार से टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ड्राफ्टिंग इज ए प्रैक्टिकल आर्ट. इट्स प्रैक्टिस नीड लॉन्ग अप्रेंटिसशिप. ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ टू बी डन विद इन सर्टेन लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द केस एंड लीगल नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. एवरी कोमा सेमी कॉलन एंड फुल स्टॉप इन ए डॉक्यूमेंट इज सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट. Therefore, a communication has to be phrased and drawn up in positive, definite, clear and elaborate language to lessen the possibility and chance of misconstruction. ठीक है. तो निष्कर्ष तौर पे ये चीज़ निकल के आती है. तो ड्राफ्टिंग करते समय हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है तथा इसके ऊपर सीधे डायरेक्टली हम ड्राफ्टिंग नहीं करते, उससे पहले हमें काफ़ी उसकी अभ्यास करने की ज़रूरत होती है. बहुत अभ्यास करने के बाद में हम ड्राफ्टिंग पे आते हैं तथा ड्राफ्टिंग के अंदर हमें वो चीज़ें सीखने को मिलती है कि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हो, उनका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ निकल रहा हो. ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए जो काफ़ी बड़े हैं तथा उसका अर्थ भी सही नहीं निकल रहा हो, उसका दूसरा अर्थ भी निकल रहा हो. तो ऐसे फुल स्टॉप, कोमा, जो सेमी कॉलन जो भी कुछ हम इस्तेमाल करते हैं उनका उचित स्थान देख करके ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनके अर्थ ड्राफ्टिंग के अंदर क्लियर होते हैं. तो इस तरह से जो ड्राफ्टिंग का कार्य है वो बिल्कुल साफ सुथरा, निश्चित सारगर्भित होना चाहिए.
ओके, इस तरह से ड्राफ्टिंग का कार्य हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।